इंडिया में वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वीवो V23 Pro। ये पहला स्मार्टफोन है जो कि कलर चेंजिंग बैक पैनल के साथ में आता है। ये दोस्तों हमारे पास में आ चुका है। हमने हमारी एक पहली वीडियो में बात की थी कि इसके लॉन्च होते ही इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और आपके लिए दोस्तों सरप्राइज गिफ्ट, इसका हम एक यूनिट का फ्री गिव अवे करने वाले हैं। आप में से कोई एक लकी व्यूअर इसे जीत भी पाएगा। वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसका गिव अवे कैसे होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या रूल्स है। आप जानते हैं दोस्तों हमारे गिव अवे काफी यूनिक होते हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसी वीवो V23 प्रो के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉयड गुरुजी में। अगर हम बात करते हैं इन हैंड फील की, बिल्ड क्वालिटी की, दोस्तों फोन काफी प्रीमियम लगता है। पीछे आपको यहाँ पे ग्लास दिया गया है और ये जो ग्लास है ना दोस्तों, ये भी मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। आपके जो उंगलियों के निशान है यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं। कलर चेंजिंग है दोस्तों, यहाँ पे जो बैक पैनल है ना वो कलर चेंज होता है। आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर ये कैसे कलर चेंज करता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए, 175 ग्राम का है, काफी हल्का है। प्लास्टिक का फ्रेम है, यहाँ पे देखने में लगता है कि ये एल्यूमिनियम है, मेटल है, लेकिन नहीं, ये दोस्तों ये है प्लास्टिक का फ्रेम। यहाँ पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल नैनो सिम कार्ड मिलता है। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड का एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं। और इन हैंड फील की बात करूं, अगर आपके हाथ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कैसे भी हैं, फोन आपका काफी इजीली यहां पर आप ले पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे काफी पसंद आ रहा है। फाइनली है ना, धूप निकल चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्टफोन की कलर चेंजिंग वाली थोड़ी टेस्टिंग कर ली जाए, है ना। देखिए मेरे पास में ऐसा भी मेरे को हाथों हाथ मिला नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक पेपर फाड़ लेता हूँ। ऑलराइट, अनकट वीडियो है दोस्तों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, और इस स्मार्टफोन के पीछे मैंने एक कागज रख दिया है ताकि पता चले कि हाँ भाई कलर चेंज होता है या नहीं होता है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बाहर, ठीक है। मौसम जो है ना वो ऐसा है, हल्की सी धूप निकल रखी है और ये स्मार्टफोन इधर है। ऑलराइट, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कागज रख रखा है मैंने। ऑलराइट, हल्का हल्का जो है कलर चेंज होना चालू हो रहा है इसका, फोकस। ऑलराइट, ठीक है, धूप फिर से जा ही चुकी है लगभग, बस एक बार कलर चेंज हो जाए। मैंने एक बार तो करके देख ही लिया, एक बार और कर लेते हैं, पता चले ना एक्चुअल लाइव के अंदर की कलर चेंज कैसे हो रहा है। ये देखिए, हटा दो क्या, ये देखिए, ये मैंने हटाया, गोल्डन कलर था वो गोल्डन रह गया और बाकी कलर स्काई ब्लू बन गया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा कलर। वीवो ने अपने स्मार्टफोन के अंदर R&D के अंदर बहुत ही तकड़ा काम किया है दोस्तों, ये काफी प्रीमियम है। फटाफट से पोर्ट्स एंड बटन की बात की जाए दोस्तों, नीचे है सिम ट्रे, माइक, सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में वॉल्यूम बटन से और लॉक अनलॉक का बटन है। लेफ्ट साइड पूरी नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर की साइड में है एक सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक और ऊपर लिखा है दोस्तों प्रोफेशनल फोटोग्राफी। ये है इसकी साइड्स। बैक की बात की जाए, ट्रिपल कैमरा यहां पर दिख रहे हैं जहां पे लिखा है 108 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैम। ये जो दोस्तों कैमरा हाउस है ना, इसे इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर सिर्फ एक LED है, नथिंग एल्स। बाकी अभी भी अच्छा लग रहा है, नहीं होता तो भी अच्छा ही लगता। नीचे है दोस्तों वीवो की ब्रांडिंग जो की फील होती है, ये देखिए फील होती है, अगर आप हाथ लगाएंगे आपको पता चलेगा। और ये है दोस्तों कंप्लीट स्मार्टफोन, जहां पर मैं फिर से बता दूं कि R&D के अंदर वीवो ने काफी अच्छा काम किया है और काफी प्रीमियम स्मार्टफोन है। चलिए फटाफट से फोन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, वीवो 5G पावर्ड बाय एंड्रॉइड फोन दोस्तों स्टार्ट होता है, इसे मैं सेटअप करता हूं। तब तक अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग, हमारे रिव्यू अच्छे लगते हैं, #AndroidGuruji स्टाइल में वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस स्मार्टफोन के गिव अवे के बारे में। हमने आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि फोन जो है लॉन्च होते ही हम इसका गिव अवे करेंगे। पूरी वीडियो में आपने सब्सक्राइब का पॉपअप कितनी बार देखा, इससे आपको काउंट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्लैम की लिंक मिलेगी, वहां जाइए, वहां पर आपको सवाल मिलेगा, उसका सही आंसर दीजिए, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप इसे जीत पाएंगे वीवो V23 Pro 5G को। ये स्मार्टफोन दोस्तों लगभग 45,000 रुपए का है और इस वीडियो का हमने एक कंप्लीट टारगेट रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे कंप्लीट करवा देंगे, काफी उम्मीदें हैं मुझे आपसे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का। जब भी हम 1,00,000 सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे, 2 महीने का मैंने यहां पे टाइम पीरियड रख दिया है, आप अपने दोस्तों, फैमिली में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, कॉलेज में, जॉब के अंदर, कलीग्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन सभी के स्मार्टफोन से पार्टिसिपेट कीजिए, किसी ना किसी का तो नंबर यहां पे लग ही जाएगा और फोन तो दोस्तों आपका यहां पे होने वाला है। ऑलराइट, ये है कंप्लीट गिव अवे की जानकारी वीवो V23 प्रो की। डिस्प्ले की
की बात की जाए 6.56 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz का दोस्तों यहां पर आपको एक पैनल मिलता है। इससे 120Hz किया जा सकता था लेकिन फिलहाल आपको यहां पे 90Hz मिलता है। यहां पर आपको एक फंक्शनल नॉज मिलती है। फंक्शनल क्यों? क्योंकि यहां पर एक मजबूरी है, एक कारण है इसे देने का, क्योंकि यहां पर आपको डुअल कैमरा मिले हैं, कैमरा के सेंसर काफी बड़े हैं, तो ये नॉज यहां पे रखना थोड़ा जरूरी है। फंक्शनल नॉज इसे कहेंगे। HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट मिलता है, स्कॉच सेंसेशन की आपको यहां पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। 3D कर्व दोस्तों यहां पर जो डिस्प्ले है ना वो फ्लैट नहीं है, 3D कर्व के साथ में आती है। और मैंने आपको बता रखा है कि फोन काफी स्लिम है। अब स्लिम का टेस्ट तो मैं कैसे करूं, आपको बीरोल में दिखा दूंगा कि स्लिम कितना है। स्मार्टफोन के दोस्तों जो बेजल्स है ना वो काफी हद तक कम है, चिन और जो बेजल्स है दोस्तों देखने में ही नहीं आती है। यही कारण है कि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफी बेहतर है। इसके अलावा यहां पर आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिलती है, जो कि आउटडोर शूट कीजिए, कुछ भी कीजिए आप आउटडोर के अंदर, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। डिस्प्ले काफी परफेक्ट है, लेकिन हाँ ये जो नॉज है ये अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लग सकता है। बाकी जो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है काफी मजेदार है। यहां पर दोस्तों आपको ना प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है, जो कि वीवो को सुधारना चाहिए दोस्तों। मौज है ना, इस तरह की ऐप यहां पर आपको मिलती है, लेकिन इन्हें आप अनइंस्टॉल कर पाते हैं, जो कि काफी बेहतर है। डिस्प्ले के बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, यहां आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। ये दोस्तों एक 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित प्रोसेसर है, काफी हद तक फोन को बूस्टअप रखता है, एनर्जी इफिशियंट है और हीटअप ना स्मार्टफोन को काफी कम होने देता है। यहां पर दो वेरिएंट है, 8128 12256GB के। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर मिलता है। पहला ही स्मार्टफोन है वीवो का जो कि एंड्रॉइड 12 पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। एंटी टू बेंचमार्क की बात की जाए लगभग 6 लाख का आता है। प्री इंस्टॉल्ड ऐप यहां पे आपको मिलती है। 5G बैंड आपको यहां पे 7 मिलते हैं, 7 5G बैंड। जब भी इंडिया में 5G आएगा तो ये स्मार्टफोन संभाल लेगा। गेमिंग की बात की जाए तो डायमेंसिटी 1200, अब तक देखा जाए ना तो डायमेंसिटी का जो अभी 9000 वगैरह है वो आए नहीं है, तो ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है। OnePlus Nord के अंदर भी हमने इसे देखा है और वहां पर आप है ना वेरी हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाते हैं, कोई तरह का जिटर, फ्रेम ड्रॉप, लैग होना, फोन को हीट होना, ऐसी कोई भी जानकारी यहां पर फिलहाल सामने नहीं आई है। यहां पर आपको कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हां इसके बारे में एक कंप्लीट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप अलग से क्या क्या जानकारी जानना चाहते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, उन सभी कमेंट्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट रिव्यू यहां पर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट की, जो कि है 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो है। दोस्तों यहां पर जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का वो काफी अच्छी बात है, लेकिन 8 का अल्ट्रा वाइड, इस प्राइस सेगमेंट में कम से कम 12 का 16 का अल्ट्रा वाइड आ सकता था। सेल्फी की बात की जाए तो एक बड़ी सी नॉज में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑटो आई फोकस के साथ में एक मेन सेंसर मिल गया, 8 का अल्ट्रा वाइड है। यहां पर आपको EIS मिलता है दोस्तों, OIS का सपोर्ट स्मार्टफोन में नहीं है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन नहीं है, फिलहाल जहां तक मैंने यूज किया है मुझे नहीं मिला। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 2 का मैक्रो और यहां पर OIS का सपोर्ट भी नहीं मिला है। जिसकी जरूरत नहीं है वो तो दे दिया, और जरूरत है वो दिया नहीं। काफी वेयर्ड सा यहां पे काम किया है। फ्रंट और बैक में आपको दोनों में ही बोके इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप बोके से कर पाते हैं। दोनों में ही आपको फ्रंट में भी रियर के अंदर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है 60 फ्रेम पर सेकंड पे, जो कि काफी बेहतर बात है। और फ्रंट में आपको 2 LED मिलती है जिन्हें आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहां पे सेट कर पाएंगे। अगर आप अंधेरे के अंदर भी वीडियो शूट करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, उस चीज में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता है। ये स्मार्टफोन काफी हल्का है, इसी के लिए आपको यहाँ पे 4300mAh की बैटरी मिलती है, 44W की आपको चार्जिंग मिलती है, इन द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाता है। लगभग 35 से 40 मिनट में आपका स्मार्टफोन 0 to 100 पूरा चार्ज हो जाता है। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट की। यहाँ पर दो वेरियंट है, 8GB का, 12GB का। 8GB का आपको मिलता है 39,000 रुपए के अंदर, और जो बड़ा वेरिएंट है वो आपको मिलता है 44,000 रुपए के अंदर, 44000। क्या ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करता है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की इसी स्मार्टफोन के फीचर्स और प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी परफेक्ट लगती है। फोन काफी हल्का है, 3D कर्व है, मैट फिनिशिंग है, ग्लास है,
और दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसमें हमें और क्या ही चाहिए, परफेक्ट है। डिस्प्ले काफी परफेक्ट है दोस्तों, यहां पर बस एक नॉज है जो कि कुछ कुछ को बुरी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये सिर्फ एक नॉज नहीं है, ये एक फंक्शनल नॉज है। इस नॉज के कारण ही आपको यहां पर जो फ्रंट कैमरा है वो काफी बेहतर मिलता है, परफॉर्मेंस वगैरह काफी बेहतर है, बैटरी वगैरह काफी हद तक बेहतर है। और ये जो प्राइस है ना वो कंपनी ने दी है, ऑनलाइन की बजाय अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं ना वहां पर आपको ये स्मार्टफोन काफी सस्ता मिलने वाला है दोस्तों। Vivo का स्मार्टफोन ये जो है ना V सीरीज ऑफलाइन को टारगेट करती है और ऑफलाइन में आपको तकड़े डिस्काउंट मिलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपने ट्राई किया हो कि आपके मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन क्या प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। मेरे यहाँ पे बताऊं आपको, ये जो है ना 39,000 का ये लगभग मिल जाएगा 36,537 तक। ये है मेरे यहाँ की प्राइस सेगमेंट, आपकी क्या प्राइस सेगमेंट है अगर आपको पता है कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में हमने बात की है इसके हैंड फील की, कुछ फीचर्स की और एक छोटे से रिव्यू की, लेकिन दोस्तों आप लोग ना कमेंट कीजिए कि आप इस स्मार्टफोन के बारे में कंप्लीट रिव्यू के अंदर क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं। आपके कमेंट्स को इकट्ठा करके कंप्लीट रिव्यू यहां पर मैं इसका करने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर सवाल है कि भाई आपने सब्सक्राइब का पॉपअप कितनी बार देखा, वहां पर काउंट कीजिए, सही जवाब दीजिए, सारी एंट्री लीजिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने सभी जगह पर, यार दोस्तों के साथ में, फैमिली कलीग हर एक के साथ में, शायद आप जीत पाएंगे इसी Vivo V23 Pro को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, जय हिंद।